ओके गाइस, सो वेलकम आप दोनों को। आज का जो टॉपिक है हमारा वो MCO 5 से रिलेटेड है, अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन। ठीक है, MCO 5 एक प्रैक्टिकल इसमें थोड़े बहुत सम्स भी होंगे एग्जाम में। एंड ऐसा नहीं है कि आप अगर सम्स को कंप्लीट मतलब अटेंड नहीं करते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। थ्योरेटिकल काफी सफिशिएंट पोर्शन होता है जिसमें आप आराम से 100 मार्क्स आप आराम से ला सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रैक्टिकल करना ही है, बट प्रैक्टिकल के कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं एग्जामिनेशन से पहले YouTube चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, या फिर ऑनलाइन क्लासेस भी हम लोग उसके ऊपर कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग थ्योरी पे फोकस करते हैं क्योंकि इसका जो परसेंटेज है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का वो एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ 80-20% का होगा। अगर क्वेश्चन आया भी तो 20 मार्क्स का ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। 80 मार्क्स का आपको थ्योरी ही करना है, तो थ्योरी के ऊपर फोकस करेंगे। ऑलरेडी MCO 5 का एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, आज दूसरा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन ये एक्चुअली हैं। 20 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन रहता है। ये जो क्वेश्चन है ये टोटल 20 मार्क्स का है, 5 मार्क्स ईच। 4 टॉपिक्स हैं यहाँ पे जिनको एक तरीके से डिफाइन किया गया है कि क्या इसका मतलब है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करेंगे। ओके गाइस, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एंटरिम डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड का मतलब आपको पता होगा। किशन, एनी आइडिया अबाउट डिविडेंड? या डिविडेंड सर ये होता है कि जो प्रॉफिट का जो भी हिस्सा होता है ना, जो बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो बीच में ही उनको प्रॉफिट दे दिया जाता है, या किसी कारणवश वो बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस में ज्वाइन नहीं रहना चाहते शेयर होल्डर, तो उनको बीच में डिविडेंड दे के उनको अलग किया जा सकता है। नहीं, दूसरा वाला पॉइंट सही नहीं था, पहले वाला सही था कि प्रॉफिट हुआ है तो उसको हम लोगों ने कंपनी शेयर होल्डर्स में बांट दिया। आकांक्षा, आपका क्या आइडिया? सर कहने का मतलब डिविडेंड क्या होता है सर, जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है वो शेयर दिया जाता है। ओके, आपकी आवाज कट गई, खैर कोई बात नहीं। सो डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट के ऊपर चार्ज होता है, याद रखना। ठीक है, तो एक बिजनेस जब बिजनेस कर रही है तो उसका कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होगा, कुछ ना कुछ उसका रेवेन्यू होगा। तो रेवेन्यू को एक्सपेंसेस से माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट निकल करके आता है, उस प्रॉफिट में से एक छोटा सा परसेंटेज जो है वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपको डिविडेंड तभी मिलेगा जब आपको प्रॉफिट होगा, है ना किशन? बिना प्रॉफिट के डिविडेंड नहीं मिल सकता। जी सर, राइट। तो प्रॉफिट के ऊपर डिविडेंड को चार्ज किया जाता है। अगर आपने एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किया होगा तो आपने 11th-12th में भी देखा होगा कि हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते थे। नेट प्रॉफिट निकालने के बाद जब आप सैलरी वगैरह दे देते हैं अपने बड़े बड़े मैनेजर्स वगैरह को, तब जा करके एक काफी बड़ा सा चंक जब हम उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। प्रॉफिट का सारा हिस्सा हम लोग डिविडेंड के रूप में नहीं देते हैं। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो एक्स्ट्रा हमारे पास लग रहा है कि ये बच जा रहा है या इसका उतना जरूरत नहीं है, लोगों का भरोसा कमाना है। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड इसलिए दिया जाता है ताकि शेयर होल्डर्स आपके पास रहें। अगर वो आपके शेयर्स को बेच देंगे, आपके शेयर्स की कीमत जो है वो घट जाएगी। तो शेयर होल्डर्स को खुश रखने के लिए, उनको एक तरीके से वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए जो है डिविडेंड वगैरह दिया जाता है, दैट इज डिविडेंड। ठीक है, एंड डिविडेंड जो है यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड बोला है। इंटरिम का मतलब क्या है ये समझना होगा। देखो अभी के टाइम पे जो हम लोग, आप अगर न्यूज फॉलो करते होंगे शेयर मार्केट का तो डेफिनेटली आपको पता चलता होगा कि जो रिजल्ट होते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस जो निकाला जाता है वो साल भर में निकाला जाता है, लेकिन अभी के टाइम पे वो 3-3 महीने का क्वार्टरली बेसिस पर भी चलता है ना। आपने टीवी में देखा होगा कि इस क्वार्टर में इतना प्रॉफिट हुआ, अगले क्वार्टर में इतना प्रॉफिट हुआ। ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना कि इनका साल भर का करेंगे तो बहुत हो जाएगा, तो लोग क्वार्टरली बेसिस पे इसको बहुत ज्यादा ट्रैक किया जाता है। तो जो कंपनीज हैं अभी के टाइम पे क्वार्टरली बेसिस पे ही वो लोग इंटरिम डिविडेंड भी प्रोवाइड करती हैं। हाँ, ठीक है, मतलब आपका प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट साल भर का जो है वो होने से पहले आपको जो क्वार्टरली बेसिस पे जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से जो आप प्रॉफिट का हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में बांट रहे हैं, दैट इज इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, इंटरिम। ओके सर, हाँ, तो एंटरिम डिविडेंड, ठीक है, तो वो होगा एंटरिम डिविडेंड। रेफर्स, अब इसको जरा देख लेते हैं। एंटरिम डिविडेंड रेफर्स टू द डिविडेंड पेड बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स बिफोर द एंड ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। साल खत्म होने के पहले जब डिविडेंड दिया जाता है, दैट इज एंटरिम डिविडेंड। और जब आपका साल खत्म हो जाएगा आपको पता चलेगा इतना प्रॉफिट है, प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स पे करना है आपने टैक्स पे कर दिया वगैरह वगैरह, सब कुछ करने के बाद जब कोई अमाउंट प्रॉफिट का बच जाता है उसको जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज नॉर्मल डिविडेंड, दैट डिविडेंड इज नॉर्मल डिविडेंड। बट व्हेनेवर अ कंपनी इज पेइंग यू डिविडेंड, क्या कहेंगे, बीच में अगर आपको कोई कंपनी पे कर रही है एंड दे आर पेइंग यू इन बिटवीन अ फाइनेंशियल ईयर, देन दैट विल बी कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। किशन आप कुछ कह रहे थे? नहीं सर, मैं वही बोल रहा था आपको, जो बिजनेस के बीच में ही प्रॉफिट ज्यादा होने की वजह से शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उसे डिविडेंड कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। नाउ इट इज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन मेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर, है ना? क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो बात मैंने कही कि डिविडेंड जो है वो एक साल जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का, उसके बीच में ही प्रॉफिट, अभी मतलब फाइनल प्रॉफिट निकला नहीं है, अभी ऑडिट वगैरह कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसके बीच में ही जो प्रॉफिट हो रहा है उसी में से डिविडेंड दे दिया जा रहा है, ठीक है ना? सो इट इज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन मेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर, टिपिकली बेस्ड ऑन द कंपनीज एंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब देखो यहाँ पे एंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वार्टरली तैयार हो रहा है, हर 3 महीने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बन जाता है ना? तो उसके बेसिस पे जो प्रॉफिट होता है उसके बेसिस पे जो है लोगों को डिविडेंड दिया जाता है। कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट इंटरिम डिविडेंड्स व्हेन दे हैव जनरेटेड सफिशिएंट प्रॉफिट्स और एक्युमुलेटेड रिजर्व। ये भी मैंने बताया था कि कंपनीज डिविडेंड आपको तभी देंगी जब उनके पास सफिशिएंट प्रॉफिट होगा, लॉस में नहीं देने वाला कोई भी। प्रॉफिट जब इतना ज्यादा होता है कि वो लोग अपने रिजर्व में भेज दिए पैसा, जिसको जिसको देना था, मतलब सपोज उधारी चल रहा है आपका बिजनेस, तो सारा का सारा लोन पे ही चल रहा है, आपने लोन भी चुका दिया, टैक्स भी दे दिया, करने के बाद आपने देखा कि आपके पास बहुत प्रॉफिट है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप अपने शेयर होल्डर्स को भी बांट देंगे। इंटरिम डिविडेंड्स आर यूजुअली डिक्लेयर्ड बाय द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड आर पेड आउट टू शेयर होल्डर्स इन कैश और एडिशनल शेयर्स। ठीक है, कैसे कैसे करके दिया जाता है? इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया गया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक तरीके से डिसाइड करते हैं कि हम इस तरीके से देंगे। अब इसको देने का 2 तरीका होता है, या तो वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 200, 300, 400, जितना आपका शेयर होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। सपोज बोला गया कि पर शेयर आपको 3 रुपए मिलेंगे और आपके पास 100 शेयर है, तो आपको 300 रुपए मिल गए, ठीक है, ऐसे करके होता है। तो पर शेयर वो लोग डिसाइड करते हैं कितना करके मिलना। या फिर एक काम और वो लोग कर सकते हैं, वो लोग आपको शेयर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है शेयर होल्डर्स इन कैश और एडिशनल शेयर्स, मतलब जितने रुपए का आपका डिविडेंड बन रहा है उतने रुपए का उन लोगों ने आपको शेयर दे दिया, कैश नहीं दिया, शेयर ही बढ़ा दिया। मतलब 100 शेयर था, आपको उसको 105 कर दिया, 5 शेयर की वैल्यू आपकी जो कैश आपको मिलता आपको उसकी उतनी वैल्यू है, तो आपको 5 शेयर दे दिया गया। दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। It is important to note that the payment of interim dividend does not necessarily guarantee the payment of final dividend at the end of the financial year, है ना? ये आपका फाइनल डिविडेंड नहीं है। जब साल खत्म होगा, जब प्रॉपर एक प्रॉफिट निकल करके आएगा, कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट निकल करके आएगा आफ्टर पेइंग टैक्सेस एंड लोन्स एंड एडवांसेस जो भी हैं, देन व्हाटएवर द अमाउंट दे विल हैव, दे विल डिस्ट्रीब्यूट आउट ऑफ दैट प्रॉफिट, उस प्रॉफिट से निकालेंगे, दैट विल बी योर फाइनल डिविडेंड। वो फाइनल डिविडेंड होगा, वो इंटरिम डिविडेंड नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि इंटरिम डिविडेंड क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। ट्रू एंड फेयर व्यू, इसका इस्तेमाल अकाउंटेंसी में बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा होता है। इसका मतलब यही है कि जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, वट एवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट यू विल हैव टू प्रिपेयर इट विथ ट्रू एंड फेयर व्यू। आपको उसको बहुत ही सच्चे तरीके से, अच्छे तरीके से और फेयरली आपको उसको बनाना है। आपने विंडो ड्रेसिंग एक वर्ड सुना होगा, बिजनेस स्टडीज में हम लोगों ने किया था 11-12 में आई गेस। इवन जो उसका इस्तेमाल है वो अकाउंट्स में ही किया जाता है कि हम लोग विंडो को ड्रेस कुछ इस तरीके से कर देते हैं ताकि हमारा इंप्रेशन बहुत अच्छा बने। अंदर से हो सकता है कि आपका घर टूटा हुआ हो, लेकिन बाहर से आप अपने दरवाजों को, खिड़कियों को कुछ इस तरीके से रंग कर देंगे कि लोग आपको देख करके जज करेंगे कि भाई ये तो बंदा बहुत ही अमीर है, इसको अगर लोन चाहिए होगा तो हम लोग इसको दे सकते हैं क्योंकि ये तो काफी अच्छा है, बाहर से घर देखने में बहुत अच्छा है ना? तो अकाउंट्स के केस में भी वैसा ही होता है कि कंपनीज क्या करती हैं, हो सकता है कि आपको लॉस हुआ हो किसी साल, लेकिन वो अपने अकाउंट्स को इतना बढ़ा चढ़ा करके दिखाएंगी आपको, जैसे आपको लगेगा कि उनका कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो आप क्या करेंगे, उसके शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। राइट। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप उसके विंडो ड्रेसिंग से इन्फ्लुएंस हो गए। इसको कहते हैं विंडो ड्रेसिंग, मतलब बढ़ा चढ़ा करके झूठ का आपको जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना तैयार करना है, ठीक है, दैट इज विंडो ड्रेसिंग। तो ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब है कि विंडो ड्रेसिंग नहीं करना है, जो एक्यूरेट फिगर्स हैं आपको वही स्टेटमेंट पब्लिक के सामने पब्लिक डोमेन में रखने हैं, दैट इज दे आर ट्राइंग टू से। द कांसेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू इज फंडामेंटल प्रिंसिपल इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ये बहुत ही एक बेसिक कंसेप्ट है, बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कि करना चाहिए, बट बहुत सारे बिजनेसेस जो लोग धोखाधड़ी करते हैं वो लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो लोग हमेशा विंडो ड्रेसिंग करते हैं, वो लोग हमेशा गलत तरीके से लोगों को फांसने की कोशिश करते हैं। इट एम्फेसाइजेस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड प्रोवाइड अ कंप्लीट, एक्यूरेट एंड अनबायस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लोज। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल पोजीशन, आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है और आपका कैश फ्लो कैसा है, कैश का इनफ्लो, कैश का आउटफ्लो, किस तरीके से पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, इन सब का जो एक स्टेटमेंट तैयार होगा वो कंप्लीट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और अनबायस्ड होना चाहिए। कई बार बायस हो जाते हैं, खुद को बेहतर दिखाने के लिए वो अपने बिजनेसेस को बहुत ज्यादा नंबर्स दिखा देते हैं, बहुत ज्यादा इन एंड आउट दिखा देते हैं कि कैश आ रहा है कैश जा रहा है, एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा, बस झूठ मूठ का, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि यहाँ पे ये चीजें होती हैं, ठीक है। इट एम्फसाइजेस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड प्रोवाइड अ कंप्लीट, एक्यूरेट एंड अनबायस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपनी, ठीक है। द ट्रू एंड फेयर व्यू कॉन्सेप्ट requires that financial statements comply with applicable accounting standard, ठीक है। जो आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ एप्लीकेबल होने चाहिए। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आई डोंट नो आपने नाम सुना है कि नहीं। देखो जब भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं ना, तो आप देखना कि अकाउंटिंग को समटाइम्स आर्ट एंड समटाइम्स साइंस भी बोला जाता है। अकाउंटिंग इज कॉल्ड आर्ट एंड साइंस एक्सप्लेन। तो ये क्यों कहते हैं आर्ट? इसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे कई बार क्या होता है कि आपको अपना दिमाग लगा करके भी अपने अकाउंट्स को निकालना होता है। जैसे मैथ्स में हम लोग अलग अलग तरीके से मैथ्स बनाते हैं, वैसे ही अकाउंट्स में भी समटाइम्स आपको अपना डिफरेंट तरीके से आप कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपना दिमाग जो है लड़ा रहे हैं, ठीक है, दैट इज आर्ट। जहाँ पे आपको खुद सोच करके करना पड़े, दैट रिक्वायर्स क्रिएटिव पर्सन, दैट कैन बी कॉल्ड आर्ट, ठीक है। बट साइंस इसको हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलाज, रूल्स एंड रेगुलेशंस का इस्तेमाल होता है, और उन्हीं फॉर्मूलाज को हम लोग क्या कहेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो ये फॉर्मूलाज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि अभी कुछ सालों में बने हैं, ये सदियों से नहीं, पिछले 2-3 सालों से तो बोल ही सकते हैं कि ये चलते आ रहे हैं। इसमें बदलाव भी बहुत सारे हुए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो अमेरिकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्चुअली स्टेटमेंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, क्योंकि लोगों के पब्लिक डोमेन में आपको रखना होता है जब आप अपने बिजनेस को चला रहे हैं। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप रेडी करोगे उसमें आपको अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ध्यान देना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर पूरा का पूरा एक लेक्चर में नहीं तो बाद में प्रोवाइड करा दूंगा, काफी यूजफुल है। आप अगर आगे जाकर के पीएचडी करने की सोचते हैं या फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, खासकर पीएचडी की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पता होना चाहिए, उसी से क्वेश्चंस आएंगे काफी सारे। ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज करना, डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन, ऐसे इंफॉर्मेशन जानकारियां जो कि मटेरियल हैं, जिसका महत्व है, जिसको यूज किया जा सकता है फॉर फ्यूचर डिसीजंस, यू शुड डिस्क्लोज दीज इंफॉर्मेशन एज वेल एंड प्रेजेंट अ फेयर डिपिक्शन ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल अफेयर्स। हाँ, ये चीजें करनी होती हैं। It involves the exercise of professional judgment by accountants and auditors to ensure that the financial statements are free from intentional or unintentional misrepresentations. ठीक है, ये भी होना चाहिए, है ना, कि जो भी जजमेंट्स निकल करके आते हैं अकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स की तरफ से, वो फ्री फ्रॉम इंटेंशनल और अनइंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन से अलग होना चाहिए। कई बार अकाउंटेंट जो होते हैं एक्चुअली, आप ही कंपनी जो होती है वो उनके ऊपर दबाव बनाते हैं कि आप अपने जो हमारा बैलेंस शीट है उसको और अच्छे तरीके से दिखाइए कि हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, काफी ज्यादा हमारे पास ऑर्डर्स हैं, काफी ज्यादा हमारा सेल हो रहा है वगैरह वगैरह। तो अकाउंटेंट्स जो है उनको भी कई बार जो है इस चीज में एक तरीके से इन्वॉल्व कर दिया जाता है, विच इज रॉन्ग, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो सारी चीजें भी हो जाएंगे। तो अकाउंटेंट्स का काम है कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू ले करके, मतलब उस चीज को दिमाग में रख करके वो लोग जो है कंपनी के स्टेटमेंट्स को रेडी करें। तीसरा पॉइंट है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है। आप देखना जब भी हम लोग इनकम करते हैं तो उसके ऊपर हम लोगों को टैक्स देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स। एंड व्हाट एवर वी पे एज ए नॉर्मल टैक्स, जो हम लोग जनरली जो कुछ भी खरीदेंगे तो उसके ऊपर हम लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट इज जीएसटी, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें आपका नाम लिखा हुआ नहीं है। जब आप कुछ बिस्किट खरीद रहे हैं या कुछ भी आप खरीद रहे हैं अपने लिए, तो आपका नाम लिखा हुआ है कि आपने इतना रुपए पे किया, दैट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स, यस। और जब आप खुद से कुछ पैसे कमा रहे हैं उसके ऊपर जब आपको टैक्स पे कर रहे हैं, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। तो बिजनेसेस में डायरेक्ट टैक्सेस वो लोग प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस जो है डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, वो लोग डायरेक्ट टैक्स ही पे करते हैं। कंपनी के नाम पे जो है उनका बिजनेस चलता है, तो कंपनी के नाम पे उनका प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है, और प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी प्रॉफिट होता है उसके बेसिस पे जो है उनको टैक्स वगैरह पे करना होता है। तो कई बार कंपनीज क्या होती है ना कि ये लोग जो है एक परसेंटेज निकाल लेते हैं कि प्रॉफिट का इतना परसेंटेज हम एक फंड बनाएंगे और उसी फंड में हम टैक्स के लिए हम इतने पैसे जो है जमा करेंगे। अचानक से आपको अगर पता चले कि इतना टैक्स पे करना है, तो सिर्फ टैक्स पे करने से तो नहीं होगा, आपके पास इतने पैसे भी होने चाहिए कि आप अपने बिजनेस को ऑपरेट कर पाए, राइट। तो बिजनेसेस क्या करती हैं कि पहले से ही कुछ पैसे एक अकाउंट, एक फंड बना करके एक प्रोविजन क्रिएट कर देती हैं कि इतने पैसे जो है प्रॉफिट का इतना हिस्सा जो है हर क्वार्टरली जो है जमा होता रहेगा, जब टैक्स देने की बारी आएगी तो फिर हम लोग वहां से दे देंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। टैक्सेशन को दिमाग में रख करके जब आप कोई प्रोविजन ले रहे हैं, प्रोविजन कर रहे हैं, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज एन एस्टिमेटेड अमाउंट, ठीक है ना, सेट असाइड बाय द कंपनी टू कवर इट्स फ्यूचर टैक्स लायबिलिटीज। जो आने वाले समय में जो आपके फ्यूचर में जो टैक्स लायबिलिटीज आपकी होंगी, लायबिलिटी मतलब जो दायित्व आपका होगा टैक्स को लेकर के कि आपको गवर्नमेंट को इतने टैक्स देने हैं, उसको ध्यान में रख करके कंपनी क्या करती है, एक एस्टिमेटेड अमाउंट, जैसे सपोज इस साल 5 लाख रुपए आपको टैक्स पे करना पड़ा, नेक्स्ट ईयर में भी आपको 7 लाख या जिस तरीके से आपका कंपनी ग्रो कर रहा होगा उसके परसेंटेज के हिसाब से आपने क्या किया कि एक अमाउंट जो है आपने अलग करके प्रॉफिट में से पहले से ही निकाल करके रख दिया, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, कि जब अगले साल टैक्स देने की बारी आएगी तो हम लोग वहां से दे देंगे। तो फ्यूचर टैक्स लायबिलिटीज को कवर करने के लिए कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट सेट असाइड कर लेती है, अलग कर लेती है, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। इट इज एक मेजर से मैं पानी पी लेता हूं, जस्ट अ सेकंड। ओके सर, okay guys, now it is made based on applicable tax laws and the company's taxable income, ठीक है। ये किस चीज के ऊपर तैयार होता है, जो आपका applicable tax law होगा कंपनीज के लिए, जैसे कि 30% का टैक्स लॉ है कि जैसे ही आपका प्रॉफिट जो है एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगा आपको जो है 30% अपने प्रॉफिट का गवर्नमेंट को ऐसे टैक्स आपको देना है। तो जो एप्लीकेबल टैक्स लॉ होगा और जो कंपनी का टैक्सेबल इनकम होगा, कंपनी का बहुत सारा खर्चा होता है, उन सारे खर्चों को अलग कर लेने के बाद प्रॉफिट निकलता है, जो नेट प्रॉफिट निकलता है वो बहुत सारे खर्चों को इधर उधर निकाल देने के बाद बनता है। तो जो नेट प्रॉफिट आपका निकलेगा उसके ऊपर जो है आपको टैक्सेबल इनकम आपका जनरेट होगा, और उसी टैक्स को आपको पे करना है। जनरेट क्या होगा मतलब वो तो आपके पास रहता ही है, उसी टैक्सेबल इनकम को आपको पे करना होता है अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल टैक्स लॉस व्हिच इज प्रिवेलिंग इन योर कंट्री। जिस कंट्री में जैसा होगा उसके हिसाब से होगा। Provision for taxation is necessary because the calculation of tax liability often involves complex rules and requires estimates of future events. ठीक है, provision for taxation जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जो calculation of tax होता है, tax liability होता है, वो काफी ज्यादा complex है। कुछ कह रहे हैं किशन आप? नहीं सर, मैं ये बोल रहा था कि ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन रहेगा तो आसानी रहेगा कि हम लोग एक जगह पैसा रखेंगे, जैसे हमारा प्रॉफिट का पूरा वो निकलेगा तो जो टैक्स अमाउंट होगा वो भरने में आसान होगा इसको बनाने से। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन किया जाता है, इसलिए पैसों को अलग करके रखते हैं हम लोग, ठीक है ना। सो यही बात है यहाँ पे बोली गई है कि ये जरूरी है क्योंकि यहाँ पे जो रूल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स। जैसे हम लोग को सिंपल पता है कि नेट प्रॉफिट के ऊपर जो है इतना परसेंट टैक्स देना है, लेकिन वो जो नेट प्रॉफिट तक आने का जो काम है वो अकाउंटेंट को करने के लिए ना काफी मशक्कत करनी पड़ती है। जो आपके लोन्स हैं उसको माइनस करो, जहां पे आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको भी ऐड करना पड़ता है आपके नेट प्रॉफिट में, जो कंपनी के इन्वेस्टमेंट एक्चुअली होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जो कि करने होते हैं अकाउंटेंट को, फिर फाइनली जाकर के एक नेट प्रॉफिट निकल करके आता है, उसके ऊपर जो है आपका टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होता है। अब गवर्नमेंट के पास अलग ऑडिटर, दो तरह का ऑडिटर होता है, आपने पढ़ा होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल तो आपकी कंपनी का अपना अपॉइंटेड होगा और एक्सटर्नल बाहर का होगा। तो हाँ, तो बाहर से लोग आएंगे आपको आपके टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए, तो वो लोग वहां पे रूल्स बहुत ज्यादा, हाँ रूल्स काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स वगैरह होती हैं, इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि पहले ही एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल करके अलग कर देते हैं। एंड रिक्वायर्स एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, ठीक है, फ्यूचर इवेंट्स में जो होने वाली है उसका एक एस्टिमेट तैयार करके पैसे को पहले ही अलग करके रख दिया जाता है। बाय क्रिएटिंग अ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कंपनीज इंश्योर्स दैट दे हैव सफिशिएंट फंड्स टू मीट देयर टैक्स ऑब्लिगेशंस व्हेन दे बिकम ड्यू, ठीक है ना। तो वो ये इंश्योर करते हैं कि आने वाले समय में जब भी वो उनको अपने टैक्स ऑब्लिगेशंस पूरी करनी होगी, जब भी उनको अपने टैक्स को पे करना होगा, जब उनका टैक्स ड्यू हो जाएगा, तो वो बहुत ही आसानी से पे कर सकें। दैट इज व्हाई दे क्रिएट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज एडजस्टेड ओवर टाइम as the actual tax liability is determined, ठीक है। जब तक आपका एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी नहीं आता तब तक आप एक एस्टिमेटेड वैल्यू ही निकाल करके रख पाएंगे, एक्चुअल तो नहीं निकाल पाएंगे, तो वो आपको करना पड़ेगा। एंड एनी डिफरेंसेस आर रिफ्लेक्टेड इन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जो भी डिफरेंस होगा, सपोज आपने टैक्स लायबिलिटी आपकी 5 लाख की है, आपने प्रोविजन क्रिएट करके रखा था 4 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, तो वो आपको नेट प्रॉफिट से निकालना पड़ेगा। ये जो डिफरेंसेस आएंगे ये आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको शो करने होंगे, वही बात यहाँ पे बोली गई, ठीक है। आखिरी जो पॉइंट है वो है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये भी काफी कॉमन पॉइंट है, काफी नोन पॉइंट है, आपने 11-12 में किया होगा कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले जो एक्सपेंसेस आपको करनी पड़ती हैं, इसको हम लोग एसेट साइड में लिखते हैं, लेकिन ये आपके लिए एसेट नहीं है, ये खर्च है जो कि ऑलरेडी हो चुका है, इससे कोई फायदा आपको मिलने वाला है नहीं। ये जस्ट एज ए प्रूफ है कि आपने खर्च किया था, आपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया, ये करवाया, वो करवाया, बहुत सारी चीजें, लीगल फीस वगैरह दी, बहुत सारी चीजें आपने करी, लेकिन ये आपके लिए एज ए एसेट आपको शो करना होगा अपने बैलेंस शीट में, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं, ठीक है ना। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जो आपको बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले करने होते हैं, ठीक है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय अ कंपनी बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप इट्स ऑपरेशंस। जब बिजनेस को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, रेडी किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के, उस टाइम पे जो खर्च हमें देखने को मिलता है, या बिजनेस के ऑपरेशंस को स्टार्ट करने के पहले जो थोड़े बहुत खर्च आपको करने पड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। दीज एक्सपेंसेस इंक्लूड लीगल फीस। अब इसमें क्या क्या आ जाएंगे, इसमें लीगल फीस आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन फी आ जाएगा, प्रिंटिंग कॉस्ट आएगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सबको प्रिंट वगैरह करना होता है। प्रोमोशनल एक्सपेंसेस होता है, कंपनी जब नई स्टार्ट होती है तो आप उसको प्रमोट करते हो बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में, ताकि लोग आपकी कंपनी के बारे में जाने, आपकी कंपनी के पास आए प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। दैट इज व्हाई दे डू प्रमोशनल एक्सपेंसेस एज वेल। सो दैट इज आल्सो कॉल्ड, दैट विल आल्सो फॉल इन द अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रमोशनल एक्सपेंसेस हो गए, अदर कॉस्ट एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर कंसीडर्ड एज इनटेंजिबल एसेट्स। इसको एज ए हम लोग क्या करते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स, ऐसे एसेट्स जो हम लोग को दिख नहीं रहे हैं लेकिन इनकी एक वैल्यू है, ऐसा नहीं कि इसकी वैल्यू नहीं है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन फी नहीं दिया होता तो आपका कंपनी रजिस्टर नहीं होता। व्हिच कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट सर। कौन सा, ये वाला? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम लोग उसमें से निकाल, ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट में, ये एक्चुअली जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंसेस होता है उसमें जाएगा। तो ये सिर्फ फर्स्ट ईयर ही लगेगा, ऐसा नहीं कि आपको हर साल पे करना है, फर्स्ट ईयर ही जो आपका जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है बस वही होता है, ठीक है ना। और इसको जो है ओवर टाइम एक तरीके से राइट ऑफ किया जाता है, इसको हटा दिया जाता है। जैसे मान लो काफी ज्यादा खर्च हो गया, 10-12 लाख रुपए जो है आपने लाइसेंस लिया, आपका बिजनेस के लिए लाइसेंस वगैरह आपने लिया, बिजनेस को स्टार्ट किया, बहुत सारे एक्सपेंसेस आपने किए, तो जो भी ये होगा इसको आपको राइट ऑफ करना होगा। धीरे धीरे करके आपको दिखाना पड़ेगा कि इसका जो है आपने राइट ऑफ कर दिया। इट्स अ काइंड ऑफ, क्या बोलेंगे, एसेट कम लायबिलिटी, दोनों ही एक तरीके से है ये, ठीक है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर कंसीडर्ड एज इंटेंजिबल एसेट्स, आर यूजुअली रिटन ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एमोर्टाइज्ड। अच्छा, यहाँ पे एमोर्टाइज्ड बोला है, डिप्रिशिएशन नहीं बोला है। एमोर्टाइज्ड का मतलब वही है कि समय के साथ साथ जो है आप उसको राइट ऑफ करते चलेंगे। ये आपके लिए एक्सपेंसेस है, लेकिन आप सोचो आप इसको लिख रहे हो आपके एसेट साइड में, तो एसेट तो ये आपका एक्चुअल में हुआ नहीं ना, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। बिजनेस आपका बन गया मतलब हो गया, तो आप इसको क्या कर रहे हो, आप इसको एमोर्टाइज कर रहे हो, धीरे धीरे करके आप उसको राइट ऑफ कर रहे हो, हर साल अपने प्रॉफिट में से इसको निकाल दे रहे हो, ठीक है। आप कैसे आप करोगे, कब करोगे? वंस द कंपनी स्टार्ट जनरेटिंग रेवेन्यू, जब कंपनी रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर देगी तब आप ये करोगे। दे आर टिपिकली ट्रीटेड एज डेफर्ड एक्सपेंसेस, इनको डेफर्ड एक्सपेंसेस ट्रीट किया जाता है, एंड आर डिडक्टेड फ्रॉम द कंपनीज प्रॉफिट्स ओवर द यूजुअल लाइफ ऑफ द एसेट और गाइस आप लोगों को आवाज आ रही है? यस यस कमिंग सर। ये नेटवर्क का कुछ इश्यू हो गया था अचानक से, पता नहीं क्या हुआ, कनेक्टिंग शो करने लगा। खैर कोई बात नहीं, तो लेक्चर हम लोग का तकरीबन खत्म ही है। yes. नेटवर्क काफी स्लो हो गया है। खैर तो वही मैं कह रहा था कि जो ये डेफर्ड एक्सपेंसेस होंगे उसको आप साल दर साल क्या करेंगे, आप उसको राइट ऑफ करते हुए चलेंगे, और उसको आप तब तक राइट ऑफ करते रहेंगे जब तक कि उसका लाइफ है। हेलो यस यस सर। हाँ किशन, तो नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, ये दूसरी बार हुआ है। जो भी एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे या जो कंपनी या जो उस एसेट का यूजफुल लाइफ होगा उसी टाइम तक आपको क्या करना है, उसके एक्सपेंसेस को एक तरीके से राइट ऑफ करते हुए जाने हैं और एक टाइम पे आकर के उसको नील कर देना। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये हो गया। तो टोटल 4 लेक्चर्स थे यहाँ पे, 4 टॉपिक्स, एक्चुअली लेक्चर्स नहीं 4 टॉपिक्स थे जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया इस वीडियो में। एंड ये रहा आज का लेक्चर। एंड मैं आज को शेयर कर, इसका PDF मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। वीडियो भी मैं आज ही शाम तक, आज ही कुछ टाइम बाद तक आई होप मैं YouTube पे डाल दूंगा, ठीक है? तो इसको आप वापस से वॉच कर लीजिएगा ताकि ठीक तरीके से समझ में आ जाए। हेलो यस सर आई एम लिसनिंग। हाँ किशन ठीक है, तो लेक्चर तो ऐसे ही खत्म हो ही गया है। एंड कल मिलते हैं, कल सुबह में तो नहीं, कल शाम में ही मिलते हैं, ठीक है? अगला क्लास कल शाम में होगा फिर 8 बजे। ओके हेलो किशन, हेलो किशन आवाज आ रही है?